जालौन में निकाय चुनाव में हो रही चेकिंग के दौरान एसएसटी टीम ने लाखों रुपए की नकदी पकड़ी है और उस दौरान लाखों रुपए लेकर एक व्यक्ति वाहन से बैग में पैसे लेकर कानपुर से झांसी जा रहा था। वहीं संदिग्ध व्यक्ति को देखकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद एक कार समेत 3,15,000 रुपए को सीज किया है। हालांकि ये मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है और झांसी चुंगी के पास का बताया जा रहा है। निकाय चुनाव में उपयोग किया जाना था इन पैसों का, उरई कोतवाली झांसी चुंगी का पूरा मामला है, बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। हमारी ड्यूटी झांसी चुंगी पे थी, एसएसटी टीम फर्स्ट है, इसमें हम और रमेश उदयनिया और जो है अंकुर भाटी एसआई और दो कांस्टेबल संदिग्ध हालत में जो रुपया 3,15,100 बैग में रखे हुए थे, हमने इनसे आईडी प्रूफ इसका आय व्यय का ब्यौरा मांगा, इनके द्वारा नहीं दिया गया, पूरा पर्याप्त समय दिया। अभी भी हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, उन्हीं के दिशा निर्देशों में उन्होंने कहा कि ट्रेजरी ऑफिसर आई है, ट्रेजरी में आइए, तो ट्रेजरी ऑफिसर साहब के इंतजार कर रहे हैं, उनके आने के बाद जो दिशा निर्देश हमारे उच्च अधिकारी देंगे। हमने अभी भी इनसे कहा कि कोई अगर अपना आय बैग का प्रूफ हो तो आप हमें दें, जिससे हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकें।